हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्राफ्ट क्लास। मैं हूं आरती गुप्ता और आज हम जन्माष्टमी के लिए एक येलो कलर की, दैट इज़ पीताम्बरी कलर की हम ड्रेस बनाने वाले हैं कान्हा जी के लिए। और हम 3 नंबर के कान्हा जी के लिए ड्रेस बनाएंगे और मैचिंग का मुकुट भी। तो ये ड्रेस हम थोड़ी सी हैवी बनाएंगे और इसी तरह से हम पूरी सीरीज़ बनाएंगे जन्माष्टमी ड्रेसेस की। जन्माष्टमी झूला, सिंहासन और जितनी भी ज्वेलरी, बांसुरी, मटकी डेकोरेशन होती है आप सबको चैनल पर देख सकते हैं। सबसे पहले मैंने पेस्टिंग पर येलो कलर का सेटिन का कपड़ा यहाँ पर पेस्ट कर लिया है और थोड़ा थोड़ा जो बाहर से छोड़ा है उस पर हम सिलाई लगाते हुए उसको बंद कर लेंगे। तो चलिए, इसको फटाफट से मैंने बंद कर लिया है। अब इसे फोल्ड करेंगे ताकि हम कमर को कट कर सकें। यहाँ पर ये देखिए इस तरह से, और आपने 1.25 इंच पर यहाँ पर कट लगाना है। पूरा 1 इंच मत कीजिएगा, वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो चलिए, इसका डायमीटर 8 इंच का है क्योंकि ये हम 3 नंबर के कान्हा जी के लिए बना रहे हैं। सामने से कट करेंगे ताकि पहनाने में ईजी रहे। अभी जो ओपनिंग पोर्शन है उस पर हम सिलाई लगा लेते हैं। सिलाई लगा ली है हमने और अब मैंने नेट का फैब्रिक लिया है। इसकी चौड़ाई आप देख सकते हैं, जितना हमारा ये पोर्शन है उतनी है। ये देखिए इतनी बचेगी, मतलब कि ये हमारी ज़्यादा से ज़्यादा 3.75 इंच की बैठेगी। और हमने इस तरह से प्लेट्स बनानी है इस पर। ये देखिए, एक के ऊपर एक रखते हुए आप यहाँ पर प्लेट्स बनाएंगे। चलिए, सिलाई मशीन से मैं प्लेट्स बना के फिर मैं आपको पूरा दिखा देती हूँ। और इन्हीं फ्रिल्स या प्लेट्स के साथ हमें पूरी ड्रेस को कवर करना है। प्लेट्स बनके रेडी हो गई हैं, ये देखिए। और अब हमें इसे ड्रेस के साथ लगाना है। तो आप इसको जिस तरह से हमने इसको ओपनिंग पे सिलाई लगाई थी, पूरी की पूरी सिलाई वैसे ही लगेगी। इसको पूरा हम सिल लेंगे और अटैच कर लेंगे इसके पेस के साथ। ये देखिए, ये मैंने सिलाई लगा दी है और एक्स्ट्रा जो नेट है वो मैं कट कर रही हूँ यहाँ पर। हो सकता है आपकी भी नेट बचे तो आप कट कर लीजिएगा, अदरवाइज़ ये पूरी पूरी रहती है नेट, अगर आपने अच्छे से मेजरमेंट करके इसको कट किया होगा। चलिए, ये कट हो गई है और अब हम इसके ऊपर काम शुरू कर सकते हैं। ये टिश्यू लेस है, इसको हम दोनों ओपनिंग पोर्शंस पे लगाएंगे। ये देखिए, इस तरह से फोल्ड करते हुए एक एक सिलाई लगानी है दोनों पर, और पूरी पे नहीं लगाना है इसको, सिर्फ ओपनिंग पोर्शन पर लगाना है। ये देखिए, हमने लगा दी है। और बाहर के पोर्शन के लिए मैंने पिंक कलर की लेस को चूज़ किया है। ये देखिए, इस तरह से इसको थोड़ा सा फोल्ड करते हुए लगाते हुए चलेंगे और पूरा राउंड दे देंगे इसके साथ। आपके पास जो भी लेस हो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। चलिए, इसको भी मैं आपको लगा के बता देती हूँ। ये हमारी इस तरह से लगेगी। और अब हम स्लीव्स बना लेते हैं, उसके बाद डेकोरेशन करेंगे। तो ये मैंने नेट का फैब्रिक लिया है और इसको मैंने ऑलरेडी डबल में फोल्ड किया है। और एक बार और मैं इसको मोड़ रही हूँ ताकि हमारी एक लंबी स्ट्रिप रेडी हो जाए, जिसको हम हाफ में कट करके अपनी स्लीव्स बना सकें यहाँ पर कान्हा जी के लिए। तो चलिए, ये मैंने फोल्ड कर दिया था और इसके ऊपर भी मैंने टिश्यू की लेस को लगा दिया है। अभी इसको कट कर लेते हैं। और ये कम से कम आपका चौड़ा होना चाहिए 4 इंच और इसकी लंबाई कम से कम 10 इंच की होनी चाहिए। दोनों को कट करेंगे तो 5-5 इंच की आपकी स्लीव्स रेडी हो जाएंगी। चलिए, दोनों को अटैच कर लेते हैं साथ में एक सिलाई लगा कर। और ये देखिए, दोनों अटैच हो गई हैं। अभी हम इसको फोल्ड कर लेते हैं उल्टी साइड, ताकि जब सीधा करेंगे तो सीधी साइड आ जाए। और दोनों की जो साइड्स हैं इन पे हम हाफ हाफ में सिलाई लगा के बंद करेंगे ताकि हमारी स्लीव्स बन जाएं। चलिए, ये भी मैंने कर दिया है, स्लीव्स बन गई हैं। अब इसको सीधा करने का टाइम है, सीधा कर लेते हैं और हमारी चोली बनके रेडी हो गई है। अब बारी है इसको अटैच करने की। तो अटैच करना मैं पहले भी अपनी वीडियोज़ में बता चुकी हूँ, इस पर आप एक बार और देख लीजिए। ये पूरी की पूरी जो इसकी नीचे की लेंथ है वो आपकी घेरे तक जाए, घेरे के जितनी होगी। आपको सेंटर का पोर्शन देखना है, यहाँ से इसको लेते हुए इस तरह से अटैच करना है। ये देखिए, इस तरह से आप सिलाई लगाते हुए चलेंगे तो आपकी चोली पूरी तरह से अटैच हो जाएगी।
ये देखिए, ये मैंने चोली यहाँ पर अटैच कर दी है और बहुत अच्छे से ये बिल्कुल अच्छे से लग गई है। अभी हम इसकी डेकोरेशन करेंगे पूरी ड्रेस की। अगर आप लाइट रखना चाहते हैं तो लाइट रख सकते हैं, बट मैं यहाँ पर बूटी का यूज़ कर रही हूँ जो पिंक कलर में है, मोती मैट है मेरे पास और पोलन है येल्लो कलर में। तो इन चीज़ों का यूज़ करके मैं इस ड्रेस को डेकोरेट करने वाली हूँ। सबसे पहले पोलन लगाएंगे, उसके ऊपर मैं बूटी का यूज़ करूँगी। बूटी आपको डिफरेंट शेप्स में और साइजेस में मिल जाती है। ये सबसे छोटी बूटी थी मेरे पास। और इसके बाद दोबारा यहाँ पर मैं पोलन लगाऊंगी, उसके ऊपर से बूटी लगेगी। इसी तरह से आगे बढ़ते हुए हम फटाफट से बूटी और पोलन लगाएंगे, चार चार बूटी चार चार पोलन। उसके बाद दोबारा पोलन के ऊपर हम मोती मैट लगाएंगे, तो हाफ हमारी बूटी की ड्रेस हो जाएगी और आधी हमारी मोती मैट से बनी हुई ड्रेस हो जाएगी। तो दो लुक आ जाएंगे इसके अंदर और काफ़ी अच्छी सी और हैवी ड्रेस बनके रेडी हो जाएगी। और इसके बाद हम बनाएंगे मैचिंग का मुकुट। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं आप फेसबुक और व्हाट्सएप पर। चलिए, मोती मैट भी लग गए हैं और हमारी ड्रेस बिल्कुल बनकर रेडी हो गई है। एकदम हमने पीताम्बरी कलर में बनाया है इसको। हैवी है, नंबर 3 कान्हा जी के लिए है। और ये देखिए, आई होप आपको भी अच्छी लगी होगी ये, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट हम स्टार्ट कर लेते हैं मुकुट बनाना। तो उसके लिए मैंने बुकरम का ही पीस लिया है और उसको हाफ में फोल्ड कर दिया है। ये भी हमारा लगभग 8 इंच का होगा और उसको फोल्ड करना है हमें और एक के ऊपर लगाना है। चलिए, इसको भी हमने पूरी तरह से यहाँ पर पैक कर दिया। तो ये हमारा एक सर्कल रेडी हो गया है। ऊपर का पोर्शन जो है उसको कवर करने के लिए मैंने बुकरम का ही पीस लिया। आप चाहें तो कोई नेट का या कॉटन का फैब्रिक भी ले सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से ये इस पर लग गया है और एक्स्ट्रा को कट कर देंगे। मुकुट बनाना भी बहुत ईजी होता है। आगे भी मैं जितनी ड्रेसेस आपको बनाना बताऊँगी उन सब के साथ मैं ट्राई करूँगी कि आपको पटका और मुकुट भी बनाना सिखा सकूँ। तो चलिए, ये भी ऊपर से भी बंद हो गया। अब इस पर हम लगाएंगे सेम नेट का फैब्रिक। देखिए, इस तरह से इसको फोल्ड करते हुए चलेंगे और जैसे हम पगड़ी बांधते हैं सेम उसी स्टाइल से इसको बांधते हुए चलेंगे ताकि हमारा बुकरम पूरी तरह से छुप जाए। आप चाहें तो नीचे से दूसरे कपड़े का यूज़ भी कर सकते हैं, लाइक जो सेटिन कपड़ा मैंने ड्रेस में यूज़ किया था पहले वो भी लगा सकते हैं। बट मैं डायरेक्टली यहाँ पर नेट लगाने वाली हूँ और प्लेट्स डालते हुए हम लोग पूरा मुकुट कवर कर देंगे। उसके बाद इसको हैवी बनाना आपके ऊपर होता है कि आप इसको कितना हैवी बनाना चाहते हैं। मैं इसमें मोस्टली वही चीज़ें यूज़ करूँगी जो हमने ड्रेस बनाने में यूज़ किए हैं। ये देखिए, इस तरह से इसको फोल्ड करते हुए आगे बढ़िएगा। फटाफट से मैं इसको कवर करके फिर मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमारे मुकुट का जो बेस है वो बन के रेडी हो जाएगा। चलिए, ये बनके रेडी हो गया है और अब इस पर थोड़ा सा हम डेकोरेशन कर लेते हैं। पिंक कलर का कॉम्बिनेशन लिया साथ में, इसीलिए मैं ये थोड़ी सी पिंक लेस लगा रही हूँ यहाँ पर। आप चाहें तो स्टोन चेन भी लगा सकते हैं, डायमंड चेन भी लगा सकते हैं या कोई पतली सी लेस का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मेरी थोड़ी सी फ्रिल बची थी जिसको मैं कलंगी की तरह यूज़ करूँगी। बैक साइड पर लगाएंगे इसको थोड़ा सा फोल्ड करते हुए ताकि प्यारा सा एक कलंगी टाइप का आपका इस तरह से बन जाए। बैक साइड पर लगा लीजिए उसे। आप चाहें तो इस स्टेप को अवॉइड भी कर सकते हैं, खाली पगड़ी भी रहनी चाहिए अगर आपको कलंगी नहीं चाहिए। अभी मैं पोलन्स लगाने वाली हूँ। पोलन्स के ऊपर मैं पीकॉक फेदर लगाऊंगी क्योंकि मोर पंख के बिना पगड़ी अधूरी लगती है। चलिए, पीकॉक फेदर भी लग गया और इसके ऊपर मैं मोती मैट या फिर बूटी में से एक चीज़ लगा देती हूँ। तो मैं यहाँ पर बूटी लगा रही हूँ और हमारा मुकुट बन के रेडी हो गया है। मैं इतना ही इसको हैवी रखूँगी, ज़्यादा हैवी नहीं कर रही हूँ। और ये देखिए, ये है हमारा मुकुट मैचिंग का ड्रेस के साथ।
आई होप आपको दोनों चीज़ें अच्छी लगी होंगी। मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आने वाली वीडियोस में आप क्या देखना चाहते हैं वो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपकी स्पेशल कोई सजेशन या फिर डिमांड है, कोई आपके लड्डू गोपाल जी के साइज़ के हिसाब से कोई ड्रेस बनानी है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। ये 3 नंबर के कान्हा जी के लिए थी। आगे भी हमारी वीडियोस देखते रहिएगा एंड जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल बटन फॉर नोटिफिकेशन। राधे राधे।